एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय अरफात एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द अरफात व्लॉग्स। तो गाइज, इससे पहले मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी अपने लोग जा रहे हैं, मैं अपनी बाइक एक सर्विस पे दिया हूँ, तो उसको मैं जा रहा हूँ लेने। वो मैं कल दिया था तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं कल ले नहीं पाया। तो मेरे को अभी कॉल आया था उन लोग का कि सर आपकी गाड़ी कल ही रेडी हो गई है, तो आके ले लो। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरी बाइक लेने के लिए। तो आप लोग इसकी आवाज़ इन्जॉय करो, और अपने लोग को और भी दो तीन काम है तो अपने वो सब कर लेंगे। तो मैं गुंजन ही जा रहा था, मैं सोचा कि बेनेली निकाल लेता हूँ तो आप लोग के लिए मैं वीडियो भी बना लूँगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा, दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। तो इस वजह से आज अपने लोग जा रहे, तो आप लोग इन्जॉय करो। और जो भी मैं MT-15 दिया हूँ सर्विस में, उसका जो भी कॉस्टिंग आएगा वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या आया है, क्योंकि वैसे उसमें बहुत काम आ गया था। पूरा उसका फेयरिंग आवाज़ कर रहा था और भी दो तीन प्रॉब्लम थी गाड़ी में। इधर अपने को थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं ये वाले रोड हरदम प्रिफर करता हूँ। और इस पे खड्डे भी ज़्यादा नहीं है, वो रोड पे बहुत ज़्यादा खड्डा है। वैसे इसमें हॉर्न का कोई काम नहीं है, फिर भी एक आदत होती है ना कि मतलब अपने लोग कुछ भी कोई आगे आता है तो अपने हॉर्न बजाते ही हैं। वैसे ये गाड़ी जाती है तो पब्लिक तो ऐसे ही उन लोगों को पता चल जाता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार जो दिवाली आ रही है तो इसमें आप लोग ज़्यादा बहुत मतलब कम से कम हो सके जितना भी क्रैकर्स कम फोड़ो, क्योंकि क्या है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप लोग बोलेंगे तू तो बाइक लेके घूमता है तब पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हाँ मेरे भाई, मेरे को पता है, लेकिन अब ज़रूरत की चीज़ तो आदमी यूज़ करेगा ही ना। तो थोड़ा आप लोग क्रैकर्स को इस टाइम थोड़ा ऐसा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम भी उधर कुछ 2-3 बजे भी उधर इतना ज़्यादा फॉगी रहता है कि, और वो फॉग नहीं रहता, वो पूरा पोल्यूशन ही है। तो जितना कम पोल्यूशन करोगे उतना ही अपने लोग के लिए ही सेफ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस बार थोड़ा क्रैकर्स कम फोड़ना। तो बाकी तो आप लोग की मर्जी है। तो गाइस, अभी हम लोग गुंजन पहुंच गए हैं और गुंजन में बहुत चेकिंग है। चलो देखते हैं अपने को कोई पकड़ेगा तो पहले तो थंबनेल लेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखा जाएगा। गाइस, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो अपने लोग दूसरे वाले रोड से जाते, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो थोड़ा पब्लिक रिएक्शन निकालते हैं। Mm-hmm.
बहुत अल्टीमेट रिएक्शन आता है ये सब बाइक पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपने को पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो गाइस मेरे को लग रहा है मैंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, मेरे को उधर से ही जाना चाहिए था, इधर तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक दिख रही है मेरे को। जैसे पब्लिक रिएक्शन बहुत मिल रहा है, लेकिन अगर अपने पीछे कोई एक राइडर होता जो हेलमेट में उसके गोप्रो लगा होता ना, तो अच्छे से रिकॉर्ड होता कि मतलब कौन पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है। यमा का सर्विस सेंटर इधर है तो अपने को इधर ही जाने का है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर पे, देखते हैं हमारी गाड़ी। ओ ये रही हमारी गाड़ी, तो वैसे ये बहुत चमक रही है अभी, और इसका शायद ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ है, आई थिंक सो, और ब्रेक का जो भी काम है वो शायद सॉल्व हो गया हो। चलो अभी एक मैं टेस्ट राइड इसका लेता हूँ और देख। तो गाइस जो काम के लिए मैं आया था वो काम तो मेरा हुआ नहीं, गाड़ी में कुछ काम बाकी था, तो इन लोग मेरे को बोल देते कि हो गया है, तो मैं अभी आके देखा तो वो काम बाकी था, तो मैंने उन लोग को बोल दिया कि कल मेरे को गाड़ी देना, आज तुम लोग कर लो। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये जो मेरा एक्सेलेटर है ना ये थोड़ा टाइट हो रहा है। बेनेली शोरूम ज़्यादा दूर नहीं, इधर ही पास में ही है, तो अपने लोग जाते उधर भी बोल देते पहले। गाइस अभी अपने लोग फाइनली पहुंच गए हैं बेनेली शोरूम पे, तो अपने जाते हैं और उन लोग से बोलते हैं कि अब क्योंकि यार गाइस बहुत पैसा लगा है बाइक में, ऐसे ही थोड़े ना जाने दूंगा। तो चलो पहले अभी अपने स्ट्रेच कर लेते फिर उसके बाद बात करते। कार वाला चार्ज हो गया है,
अभी अपने को इधर से जाने का है तो अपने स्लो कर लेते हैं। तो गाइस स्ट्रेच खींचा हो तो आप लोग को इसकी आवाज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ तो गाइस मैं जैसे कि उधर आप लोगों को बताया कि मतलब इसका उन लोग ने जो मेरी गाड़ी बनाया था उसको बुलाए तो वो बोल रहा है कि सर आप टेंशन मत लो, ये वारंटी में रहता है, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम लोग इसको वारंटी में है तो ये चेंज हो के आपको देंगे, चेंज करके आपको देंगे इन लोग। तो गाइस ये सब चीज़ सही है, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगर कुछ भी हुआ होगा तो उन लोग चेंज करके देंगे और उसका कॉस्टिंग भी नहीं लगेगा मेरा कुछ भी। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वेयर हेलमेट, बाय बाय।